टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार रात 2 घंटे तक चली पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने नैतिकता को बिल्कुल गिरा दिया है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी मार्लिना ने कहा है कि पार्टी के दफ्तर को छावनी में तब्दीली कर दिया गया है। पुलिस और पैरा मिलिट्री के जवान तैनात किए गए हैं। बीजेपी वाले डर गए हैं, लेकिन आपका हर कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पार्टी ने 57 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। चौथी लिस्ट पर आज मंथन हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में किए जा रहे विरोध पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कल रात से जिस प्रकार हंगामा चल रहा है वो हम सब देख रहे हैं। बिहार के सुपौल में बन रहे एक पुल का हिस्सा गिर गया है, जिसमें कई मजदूर घायल हो गए हैं, जिनके बचाव का काम जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी आज पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन करने वाली है, जिसको ध्यान में रखकर मेट्रो की सेवाओं को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बंद कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के परिवार से बात की है और उन्हें कांग्रेस पार्टी के समर्थन का आश्वासन दिया है। सीबीआई ने कैश फॉर कैरी मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज किया है। मंगलवार को ही लोकपाल ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर में आप कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच उनकी गिरफ्तारी पर शरद पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। शरद पवार ने कहा कि लोकतंत्र का गला दबाने का काम हो रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के अध्यक्ष शरद पवार की बुजुर्ग बहन सरोज पाटिल ने गुरुवार को कहा कि केवल पार्टी विभाजित हुई है, पवार परिवार नहीं। मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र मलाड में गुरुवार को 15 फुट गहरे भूमिगत सीवर के एक चैम्बर में गिरकर एक किशोर समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की स्थिति नाजुक है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले गुरुवार 21 मार्च को एक सड़क दुर्घटना में बाल बाल बच गए। रामदास आठवले की कार सातारा के वाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बीड से टिकट मिलने के बाद पंकजा मुंडे ने कहा कि मैं अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं, क्योंकि जो विकास के काम हमने किए हैं उसको लेकर ही हम जनता के बीच में जाएंगे। होली से पहले आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार की चाल सुस्त ही बनी हुई है। रंगों का त्योहार होली सोमवार को मनाया जाएगा और बाजार अब लगातार 3 दिन बंद रहने वाला है, तो लगता है कि बाजार पर रंगों की खुमारी पहले ही छा गई है। आईपीएल 2024 के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच टक्कर होगी। चेपॉक में होने वाला ये मैच आरसीबी के लिए किसी आग के दरिया के समान है, क्योंकि इस मैदान पर आरसीबी को आखिरी जीत 2008 में मिली थी। महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने आईपीएल 2024 से ठीक पहले ऋतुराज गायकवाड़ को जिम्मेदारी सौंप दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जेएनयू को लेकर सुर्खियों में है। वहीं अब उनके राजनीति में एंट्री लेने की खबर सामने आई है। इटली के डायरेक्शन में बनी शाहरुख खान की फिल्म जवान को लोगों ने काफी पसंद किया था। ये पहली बार था जब दोनों ने कोलैब किया था और बॉक्स ऑफिस पर छा गए थे। अब इटली ने जवान 2 को लेकर हिंट दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सरप्राइज के साथ आएंगे। मशहूर एक्टर रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। एक्टिंग के साथ साथ रणदीप ने इस फिल्म का डायरेक्शन भी किया है। अंकिता लोखंडे भी इस फिल्म में अहम किरदार में नजर आ रही है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।